हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भूगोल का 50 सवाल करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने 200 सवाल करवा चुका हूं, ठीक है। आज स्टार्टिंग करेंगे 201 नंबर सवाल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला है 202 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 203 नंबर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक क्या है? तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला है 204 नंबर, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूके देश में है। कहाँ है? यूके देश में, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके देश में। अगला है 205 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो कोटोपैक्सी है। पूछ रहा है सवाल कि कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, ठीक है। विश्व सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित कहाँ है? तो इक्वाडोर में, ठीक है। अगला है 206 नंबर, लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में, ठीक है। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। ये राजस्थान में बहती है, ठीक है। राजस्थान से निकलती है लूनी नदी। अगला है 207 नंबर, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय। सवाल पूछ सकता है नंदा देवी चोटी जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। चलिए अगला देखते हैं 208 नंबर सवाल, ठीक है। 208 नंबर है, डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है डोनबास? तो कोयला के लिए। देखिए कोयला चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। कौन कौन होती है? तो एंथ्रासाइट, बिटोमेंस, लिग्नाइट, पेटकोरा, ठीक है। सबसे सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 209 नंबर, मानचित्र में वे रेखाएँ जहाँ दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 210 नंबर, अगला है 210 नंबर सवाल, ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। कौन है? मानसूनी प्रदेश। अगला है 211 नंबर, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध केरल से है। किस राज्य से है? केरल से। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगला है 212 नंबर, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो एशिया के भारत देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। किस देश में है? भारत में। अगला है 213 नंबर, नेशनल वुड फॉलिस पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉलिस पार्क जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है। क्या है? जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा सिटी? पिंक सिटी। अगला है 214 नंबर, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। अगला देखते हैं 215 नंबर, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। कौन सी संबंधी घटनाएं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं में क्षोभ मंडल में होती है। अगला 216 नंबर, तुर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है, जान लीजिए तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है, ठीक है। का प्राचीन नाम क्या है? तो तुर्की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम है अंगोरा। क्या नाम है? अंगोरा, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 217 नंबर सवाल, अगला 217 नंबर सवाल, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ग्रैंड बैंक न्यूफाउंडलैंड के पास है। कहाँ है? न्यूफाउंडलैंड के पास है ग्रैंड बैंक, ठीक है। अगला 218 नंबर, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। अगला है 219 नंबर,
समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे Na क्या है? तो सोडियम है, ठीक है। Na मतलब सोडियम, और Cl क्या है? तो क्लोरीन है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है सोडियम का, और क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। चलिए अगला देते हैं, 220 नंबर। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वुहान नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर वुहान शहर को कहा जाता है। अगला 221 नंबर, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला है 222 नंबर, यानी कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी, ठीक है। अगर आपने वीडियो देख लें तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। अगला 223 नंबर, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश है चीन। क्या है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 224 नंबर सवाल। 224 नंबर सवाल है, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? यानी कि मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश सबसे आगे है? तो नॉर्वे है, ठीक है। कौन है? नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो, ठीक है। क्या है? ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी है। अगला है 225 नंबर, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, ठीक है। कौन करता है? चीन। और कोयले कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, इंद्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट कोयला, ठीक है। और चीन की राजधानी बीजिंग, और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला है 226 नंबर, भारत में प्रथम बहुदेशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुदेशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी को। और इसको दामोदर नदी को बंगाल का सोग भी कहा जाता है, ठीक है। अगला 227 नंबर, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक है। अगला देखते हैं 228 नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप, ठीक है। क्या है? भूकंप। अगला है 229 नंबर, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। कौन है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ है? JK, जम्मू कश्मीर। अगला देते हैं 230 नंबर, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से देश जाना जाता है लाओस, ठीक है। कौन सा देश जाना जाता है? लाओस, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 231 नंबर सवाल, 231 है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाका। अगला है 232 नंबर, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलीपींस दक्षिण, ठीक है, फिलीपाइन दक्षिणी, ठीक है। क्या है? फिलीपाइन, यानी कि दक्षिणी भाग। अगला है 233 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 234 नंबर सवाल, 234 है, किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ अस्त नहीं होता है? टुंड्रा प्रदेश में। अगला 235 नंबर, बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बैरन तथा नारकोंडम जो ज्वालामुखी द्वीप है वो अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार एक क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला देते हैं 236 नंबर, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप की तीव्रता। अगला है 237 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? नील नदी। अगला है 238 नंबर, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी अफ्रीका देश के निवासी है। पिग्मी एक जनजाति है जो कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका देश के, ठीक है। अगला है 239 नंबर, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन था। कौन था? एमंड सेन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 240 नंबर सवाल,
240 नंबर सवाल बोल रहा है, ठीक है। 240 नंबर सवाल है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कौन जनजाति है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है 241 नंबर, भारत का सबसे लंबा रेल राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44, सॉरी यहाँ पे 44 होगा, ठीक है। NH-44 भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, यानी कि 44 के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। NH-44, ठीक है। अगला देखते हैं 242 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग, ठीक है। क्या है? लेह मनाली मार्ग। अगला 243 नंबर, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। किसका है? चीन का। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। अगला है 244 नंबर, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है? एकदम पूरा दक्षिण में है, ठीक है। भारत दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला है 245 नंबर, व्यापारिक पवनी कहाँ से निकलती है? तो व्यापारिक पवनी जो है उच्छोत्सन उच्च दाब से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उच्छोत्सन उच्च दाब से। अगला है 246 नंबर, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला है 247 नंबर, विश्व में लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व में लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला है 248, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला 249 नंबर, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली के पास किन शहरों के बीच स्थित है? ठीक है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, ठीक है। कहाँ स्थित है? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच। अगला देखते हैं 250 नंबर, सूर्य में धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य में धरातल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।